आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर रोड मैप जारी किया जाएगा आपसे कुछ ही देर बाद। लेकिन मंच की तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं वह सुख का कारण बनता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर आसीन है, उनके साथ बीजेपी के तमाम दूसरे बड़े नेता भी मौजूद है और बहुत उत्सुकता है लोगों के मन में भी इस बात को जानने के लिए कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश के उस आत्मनिर्भरता के रोडमैप को सामने प्रस्तुत किया जाएगा। विशेषज्ञों से बाकायदा इसके लिए बात की गई है, विचार विमर्श किया गया है और फिर जाकर इस रोडमैप को जनता के सामने रखा जाएगा। लंबे समय से कवायदें इसकी चलती रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखाया था। कोविड काल में उन्होंने लोगों से बात करते हुए लोगों से आत्मनिर्भर होने का आग्रह किया था और ऐसे में अब उस आत्मनिर्भरता के मंत्र पर आगे चलते हुए मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, उसका रोडमैप, उसका खाका दरअसल आज जनता के सामने रखा जाएगा। बहुत दिलचस्प ये देखना। फिलहाल ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जिसमें पेश किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं इन क्षणों का भी जिनमें इस आयोजन की सुखद अनुभूति हमें मिली है और मैं स्वागत करता हूं उस मार्गदर्शिका का भी जो इस प्रदेश के विकास की यात्रा का पथ प्रदर्शन करेगी। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। पहली, आप सब जानते जरूर हैं पर आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की बागडोर संभाली थी उन परिस्थितियों से हम सब भली भांति अवगत हैं। संक्रामक कोविड भले विश्वव्यापी था परंतु दो दृष्टिकोण उस समय हो सकते थे। एक तो ये सब जगह है तो जैसा बाकियों का होगा वैसा हमारा होगा, और दूसरा ये दृढ़ निश्चितता कि नहीं, यहाँ वही होगा वैसे ही होगा जो जनहित में, प्रदेश के हित में, जनता के हित में सबसे बेहतर हो। हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयाँ रही हों, बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ रही हों, बड़ी से बड़ी कठिनाई हो, मुझे ये कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि मुख्यमंत्री जी का काम करने की उमंग, उनका उल्लास, उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह, इनके सामने ये कठिनाइयाँ हमेशा बौनी साबित हुई और यही कारण है कि जब देश के कई हिस्सों में और देश के बाहर के कई हिस्सों में संक्रामक कोविड नियंत्रण से बाहर जाता दिखाई दिया, प्रदेश में वे हमेशा उसका प्रबंधन इसी प्रकार रहा जैसे इन गिवन परिस्थितियों में जो यथासंभव बेस्ट हो सकता था। दूसरी बात, कठिनाइयां कितनी भी रही हो, चुनौतियां कितनी भी रही हो, उसमें विकास की गति धीमी ना हो और ना सिर्फ गति धीमी हो बल्कि उसके नए सपने संजोना और उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए व्यवस्थागत नीतिगत निर्णय करना, उसका भी अगर कोई सर्वोच्च कोटि का उदाहरण है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन दिनों में प्रस्तुत किया। उनकी दृढ़ निश्चितता और उनकी प्रेरणा दे सकने की क्षमता का ही कारण था कि हमने नीति आयोग के सहयोग से, उनकी सहायता से विकास के चार प्रमुख स्तंभों पर बड़े संक्षिप्त समय में, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में वृहद विचार विमर्श की व्यवस्था की। ये चार विकास के स्तंभ इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड गवर्नेंस, हेल्थ एजुकेशन और
एम्प्लॉयमेंट थे। हालांकि कोविड ने हमारा बहुत नुकसान किया, हम सब उस क्षति से वाकिफ हैं, परंतु मैं समझता हूं कि अगर एक पॉजिटिव चीज़ भी हमको कोविड से मिली तो वो प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रणाली में एक आमूलचूल परिवर्तन, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी आदत में शुमार हुआ। अन्यथा ये फैसिलिटी पहले भी थी, इसका उपयोग नहीं था। उस दृष्टि से मैं इसे कोविड की एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन प्रशासनिक व्यवस्था में मानता हूँ। अगर ये व्यवस्था नहीं होती और ये एक निश्चय मुख्यमंत्री जी का नहीं रहा होता तो ये संभव नहीं था कि देश विदेश के भिन्न भिन्न हिस्सों से लगभग 650 विषय विशेषज्ञों ने इन चार कॉन्फ्रेंसेस में 4 दिनों में भाग लिया, अपने विचारों से, अपने सब्जेक्ट एक्सपर्टीज से इसको एनरिच किया। उसके अलावा ऑनलाइन बहुत बड़ी संख्या में सुझाव लोगों के प्राप्त हुए, और इन सब का समावेश करने के बाद मंत्रीगणों की समितियों ने जो उस पर काम किया और अंतिम रूप से एक मार्गदर्शिका, एक रोड मैप को तैयार किया, उसके लिए मैं आप सब की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। प्रदेश की विकास की यात्रा किन गंतव्य पड़ावों से गुजर करके किन मंजिलों तक पहुँचेगी, उसे इस रोड मैप में शामिल किया गया है। उसका कितना महत्व है हमारे आने वाले समय के लिए और उसका क्या विजन है, ये हम सब समझते हैं, पर हम आतुर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के लिए, उनके विचारों के लिए, जो हमें इसके बारे में विस्तृत रूप से अपने उद्बोधन में बताएंगे। अंत में आप सबका पुनः स्वागत करते हुए, आप सबके प्रति आभार भी प्रदर्शित करते हुए, इस विश्वास के साथ मैं अपने उद्बोधन को समाप्ति देता हूँ कि हम सब अपनी पूरी निष्ठा के साथ, परिश्रम के साथ और जिम्मेदारी के साथ इस रोड मैप को अंजाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा योगदान करेंगे हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य सचिव महोदय। अर्थव्यवस्था से लेकर अधोसंरचना तक, सुशासन से लेकर स्वास्थ्य तक और शिक्षा से लेकर कौशल और रोजगार तक, हर क्षेत्र को ऊंचा, हर क्षेत्र को उर्वर करके दिखलाएंगे हम। लोकल को वोकल का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे हम। संकल्प है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे हम। ए से एस्पिरेशन के, टी से ट्रांसफॉर्मेशन के, एम से मिशन के, ए से एक्शन के और एन से नीति के प्रतीक और प्रतिबिंब, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप के विमोचन की बेला अब हमारे समक्ष प्रफुल्लित भाव से उपस्थित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने करकमलों से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप का विमोचन करने का कष्ट करें। मंचासीन सांसद महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय से भी सहभागिता हेतु सादर अनुरोध है। तो 2023 के लिए विकास का रोडमैप जो है वो पेश किया जा रहा है भोपाल के मिंटो हॉल से। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच, जो जिनके सहयोग आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए रोडमैप जारी कर रहे हैं, जिनके संबंध से आत्मनिर्भर रोडमैप भी बताएगा कि मध्य प्रदेश का विकास कैसे, जिनके सुझावों को हमने रोडमैप में पिरोया है, जिनकी सलाह लेकर मंथन से अमृत बिलोया है, जिनका साथ पाकर आत्मनिर्भरता में अग्रणी बनने की तैयारी है, अब हमारे पथ प्रदर्शक नीति आयोग की बारी है। मैं ससम्मान अनुरोध करना चाहूँगा
आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय श्री अमिताभ कांत जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग भारत सरकार से, कि वे अपने वर्चुअल उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय श्री अमिताभ कांत जी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, राज्य सरकार के सारे मंत्रीगण, मुख्य सचिव एवं सरकार के सारे पद अधिकारीगण, आज मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि राज्य का 3 वर्षीय आत्मनिर्भर रोड मैप, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में व्यापक विचार विमर्श, जिसमें नीति आयोग की तकनीकी सहभागिता रही है, क्रियान्वयन के लिए लॉन्च किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की सराहना करता हूं, जिसको हाल ही में मध्य प्रदेश के जनमानस का व्यापक समर्थन मिला है, और उनको बधाई देता हूं। इस रोड मैप को तैयार करने की पहल तब हुई जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर और वोकल फॉर लोकल के आह्वान को अपनाने का निर्णय लिया, जबकि सभी राज्य सरकारों का ध्यान वर्तमान संकट पर केंद्रित है। उस अवधि में माननीय मुख्यमंत्री जी के आत्मनिर्भरता की दिशा में पहल एवं प्रतिबद्धता की मैं सराहना करता हूं। एक जापानी कहावत है कि क्रियान्वयन के बिना विजन एक कल्पना मात्र है, और विजन के बिना क्रियान्वयन प्रायः सकारात्मक परिणाम नहीं देता है। यह एक बहुत ही यथार्थवादी अवलोकन है। संस्थान अपने विजन को साकार करने में क्यों सफल नहीं हो पाते हैं? मैं समझता हूं कि वह मिसिंग लिंक विजन और क्रियान्वयन के बीच की कड़ी है। मिसिंग लिंक विजन और क्रियान्वयन के बीच की कड़ी है। यह 3 वर्षीय आत्मनिर्भर रोड मैप विजन और क्रियान्वयन के बीच संयोजन की एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाएगा। यह कड़ी विजन एवं क्रियान्वयन को श्रेणीबद्ध करेगी, और यही उसकी विशिष्टता है। पूरी प्रक्रिया में आत्मनिर्भरता के विचार की रणनीति तैयार करने को का व्यापक दृष्टिकोण रहा है। इस प्रक्रिया की शुरुआत अगस्त माह में 4 दिनों के वेबिनार में गहन विचार विमर्श में शुरू हुई। वेबिनार सत्रों में मुख्यमंत्री जी ने अपने विचारों को साझा किया, जिससे हम उनकी अपेक्षाएं समझ सके। वेबिनार के उपरांत मंत्री समूहों के नेतृत्व में सिफारिशों की गई, और इस मध्यवर्ती अवधि के दौरान नीति आयोग के साथ गहन बातचीत जारी रही। नागरिकों की बहुआयामी अपेक्षाओं एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर रोडमैप में उच्च स्तरीय लक्ष्यों को चिन्हित करते हुए यह कोशिश की गई है कि कार्य योजनाओं के अपेक्षित परिणाम दर्शाए जाएं। रोडमैप में 30 दिन की कार्य योजना भी शामिल है, जिसे विभागों द्वारा अगले 30 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा। इस कार्य योजना से क्रियान्वयन की प्रक्रिया को गति मिलेगी। मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व से कृषि के क्षेत्र में सफलता हासिल की है। ये रोडमैप अन्य क्षेत्रों में भी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इसमें शामिल किए गए इन क्षेत्रों पर जोर रहा है। कृषि में रोजगार के अलावा कृषि संबंधित सभी क्षेत्रों में, विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार एवं मूल्य संवर्धन की संभावनाओं को विकसित करना, अर्थ जॉब इन एग्रीकल्चर टू जॉब अराउंड एग्रीकल्चर। दूसरा, मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है।
अतः राज्य में लॉजिस्टिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को विकसित करने का असीम संभावनाओं को आकार देना, पर्यटन एवं हेरिटेज सेक्टर का विकास, न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों का विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शहरी क्षेत्र में नए मानक स्थापित करना और इनोवेशन, नवाचार एवं शासी सुधार। इस प्रकार इन क्षेत्रों के विकास में से आर्थिक अवसरों पर तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। निजी क्षेत्र के सहयोग से विभिन्न परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की परिकल्पना की है। इस रोड मैप में निजी क्षेत्र का सक्रिय भूमिका तथा साझी परियोजनाओं की संभावनाओं पर विचार किया गया है। इस रोड मैप के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उत्कृष्ट जिलों को पुरस्कृत करना एवं विभागों के विशिष्ट प्रोजेक्टों को मॉनिटरिंग एक आवश्यकता रहेगी, जिसके लिए एक डैशबोर्ड, बहुत ही एफिशिएंट डैशबोर्ड तैयार किया गया है कि परिकल्पना तैयार करना नीति आयोग के भागीदारी अपने आप में अनूठी पहल है। अंत में मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, वहां के मुख्य सचिव, सारे मंत्रीगण, चार टीम लीडरों और उनके सहयोगियों तथा नीति आयोग में संबंधित सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा रोड मैप विकसित करने के अथक प्रयासों की सराहना करता हूं और बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के 3 वर्षीय आत्मनिर्भर रोड मैप को मध्य प्रदेश में लागू किए जाने से ये राज्य शीघ्र ही देश के उन्नत राज्यों में सुधार होगा और मेरा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश देश का नंबर वन स्टेट बनकर आगे आएगा 3 वर्षों के बाद। मैं मध्य प्रदेश को इस कार्यक्रम आत्म एमपी 23 विजन हासिल करने हेतु नीति आयोग की ओर से सारी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे ऑफिसर सारे मिलकर आपके साथ काम करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। किसी ने सच ही कहा है, चलना है खुद के पैरों पर तो निर्भर ना रह गैरों पर। महानुभावों, भारत वह पवित्र धरा है जिसने संपूर्ण विश्व को यह सिखाया है कि एक गहरी सांस लेकर स्वयं को तनाव मुक्त कर लेना भी आत्मनिर्भरता की श्रेणी में आता है। सोचो, अगर मैं नहीं होता तो क्या होता तुम्हारा, सोचो अगर मैं नहीं होता तो क्या होता तुम्हारा, इस ताने का, इस तंज का सटीक उत्तर है आत्मनिर्भरता का नारा। अब मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, संसद सदस्य लोकसभा, को सादर साग्रह आमंत्रित करूंगा कि कृपया वे आए और अपने सुविचारों से सदन को संप्रेरित करें। आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा साहब। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप 2023 के इस विमोचन के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मुख्य सचिव आदरणीय इकबाल सिंह जी, नीति आयोग के हमारे अध्यक्ष आदरणीय अमिताभ कांत जी और इस अवसर पर सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सभी सम्माननीय सांसद, सभी सम्माननीय विधायकगण और वर्चुअली जो लोग आज इस अभियान के साथ जुड़े हैं, ऐसे सभी हमारे प्रदेश के प्रबुद्ध जन, साथ नहीं ऐसे लोग जो इस कार्यक्रम में आज लाभान्वित होंगे, खास तौर पर हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जिनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष अभियान पूरे देश के अंदर जिसका इतिहास बनाया है, ऐसे उन सभी लोगों को भी इस कार्यक्रम में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं।
मित्रों, सबसे पहले तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के अंदर वो एक दिन भी इस बात के लिए कभी कि छुट्टी लेकर के मैं कोई काम आगे प्रारंभ करूंगा, ऐसे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री, उन दोनों लोगों को आज हम सब लोग बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी जिस गति के साथ इस संकट के काल में, अगर मैं इस बात को कहूं कि पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दुनिया का संकट आया कोरोना के इस महामारी के संकट में, जैसा हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरी दुनिया भी इस बात के लिए जानती है, केवल भारत नहीं, कि चुनौती को अवसर में कैसे बदला जा सकता है। और कोरोना के संकट में पूरी दुनिया का नेतृत्व करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया कि इस चुनौती को भारत के अंदर, संपूर्ण भारत में कोरोना के संकट को नियंत्रित करते हुए अपने उस विचार के आधार पर, अपने उस काम के आधार पर कि भारत में इससे कैसे बचा जा सकता है। और आज हम सब लोग इस बात के लिए गौरवान्वित भी हैं कि पूरे देश के अंदर कोरोना के संकट से बहुत गंभीरता के साथ उसका समाधान निकालने का भी प्रयास किया और उसमें सफलता भी देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री को और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि इस बात के लिए भी आज उनको धन्यवाद और बधाई देने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। हमारा मध्य प्रदेश का पूरा नेतृत्व आज यहाँ पर है, जो वर्चुअली लोग जुड़े हैं, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो कोरोना का संकट मध्य प्रदेश में एक बहुत अपने पैर पसार चुका था, उसमें उन्होंने शपथ लेकर के उसी आधी रात से काम करना प्रारंभ किया। और हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री के उस दृढ़ता के आधार पर, संकल्प शक्ति के आधार पर आज मध्य प्रदेश भी कोरोना के संकट से बड़े पैमाने पर बचा है। आज मुझे कहने में इस बात के लिए गर्व है कि जिस प्रकार से, जो मैंने कहा कि चुनौती को अवसर में बदल करके ये आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने इस पूरे देश के अंदर उस संकट से उबरते हुए उसका समाधान करने का जो प्रयास किया और बेहतर प्रबंध के आधार पर भारत को इस महामारी की भयावहता से भी बचाया, साथ में ही मैं अगर ये कहूं कि इस दौर में दुनिया आर्थिक स्तर से भी, आर्थिक तौर पर भी संकट में आ रही थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने देश के उन लोगों के साथ, गरीब, किसान, हमारे मजदूर, उन लोगों के लिए हम किस प्रकार से आर्थिक तौर पर पैकेज दे करके अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प माननीय जो प्रधानमंत्री ने लिया, इसलिए मैं मध्य प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री को एक बात के लिए जरूर फिर एक बार बधाई देना चाहता हूं कि उन गरीबों के लिए उस पैकेज के आधार पर जो स्ट्रीट वेंडर्स का अभियान पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था आत्मनिर्भर भारत का, आज हमें गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री के विजन के कारण पूरे मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स में मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर एक नंबर पर आकर के उनको सहायता देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सरकार के हमारे उस तंत्र के नेतृत्व में जो किया, इसके लिए पुनः एक बार उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से देश की जो इकोनॉमी है, MSME के आधार पर हम आज लगभग 29% इकोनॉमी हमारी MSME के आधार पर आज देश के अंदर आधारित है। मध्य प्रदेश के अंदर भी हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं कि MSME क्षेत्र को, लघु सूक्ष्म उद्योग को कैसे ताकतवर बनाया जाए, किसान, गरीब और हमारे उन मजदूरों के साथ हम कैसे ताकत के साथ खड़े हों, चाहे वो प्रवासी मजदूर क्यों न हो, इन सारे मुद्दों पर इस दिशा में जो काम माननीय प्रधानमंत्री ने और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके आधार पर बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कैसे करें, और जो डेमोग्राफी है उस जनसंख्या को, जनसंख्या हमारी ताकत है, एक देश के अंदर जो डेमोग्राफी है उसको ऊर्जा के तौर पर कैसे उसका उपयोग हम करें, उसका अवसर ऊर्जा के तौर पर कैसे बने, जो हमारी जनसंख्या है उसका उपयोग हम कैसे करेंगे। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी देश की युवा शक्ति को, देश के नौजवानों को और उस ताकत को एक चैनलाइज करके देश के अंदर एक बड़ी ताकत खड़ा करने का काम उसमें भी किया था। और आज भी देश के अंदर उस डेमोग्राफी का उपयोग ऊर्जा और संसाधन के तौर पर कैसे किया जा सकता है,
एक बखूबी तौर पर आज पूरे देश के अंदर इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ने का प्रयास किया है। आज हम लोग कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी का जो चिंतन जो इतने वर्षों से इस देश के अंदर था, आज हमें गर्व है कि पूरे दुनिया के अंदर मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस काम को आज मध्य प्रदेश में जो प्रारंभ किया और एक दिन भी उन्होंने सरकार को जिस गति के साथ मध्य प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया, उस समर्थन के आधार पर उन्होंने कहा कि एक दिन भी न गंवाते हुए मध्य प्रदेश को जो देश को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है, हमारा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। इस दिशा में जो अभियान मध्य प्रदेश के अंदर शुरू हुआ है और जो रोडमैप आज शुरू किया है, अभी नीति आयोग के हमारे अमिताभ कांत जी जो कह रहे थे कि अगर विजन है उस विजन के साथ उसको इंप्लीमेंट करने की योजना भी जब होती है तब जाकर के चीजें साकार होती हैं। आज ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हम अपने उस ड्राफ्ट को भी विमोचन कर रहे हैं, लेकिन साथ में इस ड्राफ्ट के अंदर जिन चीजों को क्या मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गरीब किसान मजदूर से लेकर अपने एमएसएमई सेक्टर को ताकत देने के लिए जो रोडमैप बनाया है, तो दूसरी ओर आज हम लगभग 20,000 उन लोगों को जो इस रोडमैप के आधार पर आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के संकल्प में लोग यहाँ पर सीधे लाभान्वित भी होंगे, तो ये कार्यक्रम योजना का भी है, इस कार्यक्रम में विजन भी है और इस कार्यक्रम में इंप्लीमेंट करने का सीधे सीधे उन लोगों को लाभान्वित करने का काम भी आज इस कार्यक्रम में करने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार कर रही है। इसके लिए मैं पुनः एक बार उनको धन्यवाद देता हूं और मध्य प्रदेश के हमारे सभी सम्मानीय सांसद, सम्मानीय विधायक और जो लोग आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, मैं इस बात के लिए अनुरोध भी करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान में कि अपना मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो अपना संसदीय क्षेत्र भी आत्मनिर्भर बनेगा, मेरे विधानसभा का क्षेत्र भी आत्मनिर्भर बनेगा, मेरा गांव आत्मनिर्भर बने, ये संकल्प हम सब लोगों को लेकर के चलना पड़ेगा। कि हम लोग सब जानते हैं भारतीय इतिहास में, भारत की संस्कृति में और अपने देश के अंदर हम जाने का प्रयास करते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर था और उस दिशा में ग्रामीण जो कल्चर है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, हम लोग कहते हैं कि गांव का देश है, तो उस आत्मनिर्भरता के आधार पर ये देश दुनिया के अंदर कभी किसी भी मंदी के दौर से लेकर के कोई भी संकट आया हो उस संकट से निजात पाने का काम ये जो हमारे कल्चर में हमारे गांव के अंदर लोगों ने अपने अपने घर के अंदर जिस मैनेजमेंट का काम हमने करने का प्रयास किया है उसके आधार पर इस अभियान में जो रोडमैप बनाए, इस आत्मनिर्भर अभियान के रोडमैप को हम संपूर्ण मध्य प्रदेश के गांव गांव में ले जाने का प्रयास करेंगे और इसमें सभी ताकत, सभी राजनीतिक दलों के लोग भी, सभी हमारे जनप्रतिनिधि सब मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री के इस विजन को जमीन पर उतारने का काम हम सब बखूबी करने का प्रयास करें। इसी के साथ आप सबको एक बार पुनः पुनः धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो तत्काल तौर पर इस अभियान को प्रारंभ किया है। हम सब लोग आपके साथ खड़े होकर के मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश की सरकार को हम सब मिलकर के ताकत देंगे और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प में पूरा मध्य प्रदेश आपके साथ खड़ा होकर के इस अभियान को तेजी के साथ लागू करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय। वो अभिनव योजना जिसमें 8,52,000 से अधिक पथ विक्रेताओं का पंजीयन हुआ है, वो कल्याणकारी योजना जिसमें 60,000 से अधिक हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, वो जनहितैषी योजना जिसके अंतर्गत अब तक 40,000 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं, वो महत्वाकांक्षी योजना जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में उठाए गए बड़े और सफल कदमों में से एक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना की, जो कोरोना काल में छोटे छोटे ग्रामीण पथ व्यवसायियों के लिए एक संजीवनी बूटी, एक गेम चेंजर साबित हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का उत्कृष्ट उदाहरण बनी मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के 20,000 हितग्राहियों को 20 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की कार्यवाही का रिमोट दबाकर शुभारंभ करने का कष्ट करें माननीय मुख्यमंत्री जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश को देश का नंबर वन राज्य बनाने की कसम खाने वाले, आपदा को अवसर, समस्या को समाधान और मुश्किल को मुमकिन बनाने वाले, प्रदेश की 8 करोड़ जनता के जीवन में बेमिसाल बदलाव लाने वाले और दीपावली की दहलीज पर आत्मनिर्भरता का पहला दीपक जलाने वाले परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया पधारें और अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद खजुराहो आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, नीति आयोग के हमारे सीईओ, मेरे मित्र जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाने में नीति आयोग की पूरी टीम को लगाया, स्वयं भी जुटे, मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूं। आदरणीय अमिताभ कांत जी, मेरे वो प्रिय मंत्रीगण जिनको इस रोड मैप को अपने अपने विभाग के माध्यम से जमीन पर उतारना है, कुछ मेरे सामने यहां उपस्थित हैं और कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज जुड़े हैं, आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण, हमारे चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस जी, हमारे सभी अधिकारीगण और आज लाखों लाख मध्य प्रदेश के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मेरे लिए आज का क्षण अद्भुत है सचमुच। प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि वो चुनौतियों को अवसर में बदलना जानते हैं, एक अपील की थी, एक आह्वान किया था कोरोना काल में, आत्मनिर्भर भारत। मेरे मन में तब यह संकल्प पैदा हुआ कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और आज वो पल आया है जब हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लोकार्पित कर रहे हैं, इस संकल्पबद्धता के साथ कि मैं स्वयं, मेरे माननीय मंत्रीगण, मेरे अधिकारीगण अपनी जनता के साथ मिलकर इसको अक्षरशः जमीन पर उतारकर मध्य प्रदेश को देश के नंबर एक के राज्यों की श्रेणी में शुमार कर देंगे। संकल्प के साथ हम आज जनता के सामने इस रोड मैप को प्रस्तुत कर रहे हैं, और जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं तो मैं अपनी टीम के साथ आत्मविश्वास से भर के कर रहा हूं, क्योंकि हमें जो जनादेश मिला भी परसों, वो भी अद्भुत और अभूतपूर्व है, शायद कल्पना किसी को नहीं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रसंग है, हमारे जो साथी जो हमारे साथ आए थे, वो जितने वोटों से पहले जीते थे उससे कई गुना ज्यादा वोटों से जीत के उन्होंने फिर रिकॉर्ड बनाया है। 10-11% वोट ज्यादा मिलना और कहीं 63-64 हजार, कहीं 57-58 हजार, कहीं 53 हजार, कहीं 45 हजार, कहीं 40 हजार कि शानदार विजय प्राप्त करना इस बात का द्योतक है कि जनता को असीम अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है। और हमारा संकल्प है कि हम इन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, हम सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठ के समय काटने के लिए नहीं आए। इन 3 साल में मध्य प्रदेश की प्रगति असीम हो इसका जी जान से हम प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी हमारी प्रेरणा है,
उन्हीं की प्रेरणा से हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के ये रोड मैप तैयार किया है। वो केवल हमारे लिए नहीं, देश के लिए प्रकाश स्तंभ है। जो जिद, जुनून और जज्बा मैंने उनमें देखा है, देश की प्रगति का, विकास का, प्राण से पारी जनता के कल्याण का, सचमुच में वो हमें उत्साह से भर देता है, काम करने की प्रेरणा से भर देता है। और आज मैं अपना ये संकल्प पुनः दोहराना चाहता हूं कि अगर हमारी वरेण्य अगर कोई है, हमारी आराध्य अगर कोई है, तो वह है मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता। मैं फिर दोहराता हूं कि मध्य प्रदेश हमारा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है, ये सरकार है। और उसी विश्वास के साथ कि लोगों के लिए बदलना है मध्य प्रदेश, हम आज इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रस्तुत हैं। हम जानते हैं कोरोना काल में कि मैं भी बीमार हुआ, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैं एक एक बात एक अपील और आज करना चाहूंगा, क्योंकि लाखों लोग आज हमें सुन रहे हैं। कोरोना को हमने नियंत्रित कर लिया, हम निपट भी लिए। मैं और मेरे मंत्रिमंडल के सारे साथी यहां, अरविंद जी जैसे, ओम प्रकाश जी जैसे, हमारे कई मोहन भी, कई साथी बैठे जो कोरोना से जूझे, लेकिन उस समय भी हम बैठे लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काम में जुटे रहे। कोरोना काल ने हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त कर दी। आज मैं आपको बताता हूं कि 3-4 महीने तो खजाने में पैसा था ही नहीं, आई नहीं। बीच में यह प्रस्ताव भी आया कि भारी आर्थिक संकट है, इस बार कर्मचारियों की तनख्वाह कुछ महीने के लिए कम कर देते हैं। लेकिन हमने कहा कि कर्मचारियों की तनख्वाह तो किसी भी कीमत पर कम नहीं होगी, इतना जरूर है कि एरियर की राशि का भुगतान और इंक्रीमेंट जैसे मामले हैं वो हमने स्थगित किए, लेकिन बाद में उसकी पाई पाई भी हम देंगे। वैसी परिस्थिति में जब अर्थव्यवस्था संकट में है, आज ये रोड मैप जनता के सामने प्रस्तुत करना और उसको पूरा करने का संकल्प लेना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन यह चाह होती है, राह को निकलना पड़ता है। हम राह निकालेंगे मध्य प्रदेश के नवनिर्माण की, विकास की और जनता के कल्याण की, एक संकल्प के साथ। अपने आप को हम बांध रहे हैं, अकेला मैं नहीं, आप सब, मेरे मंत्री साथी, मेरे अधिकारी जो आज मेरे सामने बैठे, कलेक्टर्स और बाकी फील्ड के अधिकारी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, आज सबको संकल्प लेना है इस रोड मैप को पूरा करने के लिए। हम धन की भी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम पैसे की कमी का रोना नहीं रो सकते कि हम क्या करें, पैसा नहीं है, अभी तक जुटाया, आगे भी जुटाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है हम मिलकर प्रयास करेंगे तो धन की कमी आड़े नहीं आएगी। अभी अमिताभ जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि धन के लिए हम निजी क्षेत्रों का भी सहयोग लेंगे, आउट ऑफ बजट बोरोइंग भी हमने किए और बाकी रास्ते भी हम निकालेंगे। मेरे प्रिय मित्रों और मध्य प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों, रोड मैप आपके हाथ में आएगा, मेरा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अधोसंरचना की दृष्टि से देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनेगा। हमने 2003 के पहले का भी मध्य प्रदेश देखा है, गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था, मैं उसकी व्याख्या नहीं करना चाहता। लाखों किलोमीटर शानदार रोड हमने बनाए, लेकिन अब हमें और आगे बढ़ना है। चंबल क्षेत्र में अटल प्रोग्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, एक नहीं अनेकों कल्पनाएं, और ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं होंगे, हमारी कोशिश रहेगी नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करने की, अलग अलग तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की, उस दिशा में हम काम करने वाले। गांव को प्राय हमने सड़कों से जोड़ दिया है, बचे हुए गांव भी जोड़े जाएंगे। किसानों के लिए खेत संपर्क सड़क की योजना भी हमने बनाई है। अधोसंरचना के क्षेत्र में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश
पानी की एक एक बूंद का सार्थक उपयोग करेगा। सिंचाई की सुविधा 7.5 लाख से बढ़ा के 15 साल में हमने 31 लाख हेक्टर कर दी है और इसको बढ़ा के अब 60 लाख हेक्टर के आसपास ले जाया जाएगा। नर्मदा जी की एक एक बूंद पानी का जो हमारे हिस्से का है हम बेहतर और ढंग से उपयोग करेंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समय सीमा में एक एक पानी की बूंद का पूरा उपयोग कर लिया जाएगा। सिंचाई के अनेकों योजनाएं अभी हमारे दिमाग में है, कुछ जमीन को उतर रही है, उसको उतार के हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, किसानों की आय दुगना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैन और बेतवा जैसी परियोजना को केंद्र के कोऑर्डिनेशन से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर अब अमली जामा पहनाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में छोटी छोटी जल संरचनाओं का जाल बिछाया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में वाटर रिचार्जिंग का एक विशेष अभियान लिया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में बिजली की कमी आज भी नहीं लेकिन और नहीं रहनी जाएगी, और नहीं रहने दी जाएगी। हम केवल थर्मल पावर प्लांट्स पर डिपेंड नहीं रहेंगे, सोलर से सूरज से जितनी बिजली बना सकते हैं उसका अभियान चलेगा। परियोजना हमारी तैयार है। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर डैम में शायद देश में पहली बार सोलर पैनल बिछा के भी सूरज से बिजली उत्पन्न करने का काम किया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में किसानों की आय दुगना करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो हम उत्पादन बढ़ाएंगे, आधुनिक तकनीकी का उपयोग करेंगे। पर एकड़ पर हेक्टर उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादन की लागत कैसे घटे, अत्याधुनिक तकनीक का हम इस्तेमाल कैसे करें, अच्छे बीज समय से खाद ठीक से पानी और बेहतर तकनीक का इस्तेमाल गरीब किसान भी कर सके, इसके प्रयास किए जाएंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में किसानों को ठीक दाम मिल जाए, हम उत्पादन की क्वालिटी सुधारें और हम अपने अन्न के फलों के सब्जियों के उत्पादन को विदेश में भी निर्यात कर सके, इसका अभियान चलाया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में अगर किसान को नुकसान और घाटा होता है तो उसकी भरपाई के लिए फसल बीमा योजना को और बेहतर बनाया जाएगा। राहत की राशि जो दी जानी चाहिए उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में ठीक कीमत के साथ साथ प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री कल्याण निधि भी उनके खातों में डाली जाएगी। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में गरीबों को पूरा न्याय मिलेगा। आज हम अपने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के 20,000 स्ट्रीट वेंडर के खातों में 10,000 रुपए की राशि, जिसकी वो लोन है लेकिन गारंटी हम ले रहे हैं, सरकार गारंटी ले रही, ब्याज सरकार भरेगी, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में गरीब को पूरा न्याय और उसकी आय कैसे बढ़े, इसके संपूर्ण प्रयास किए जाएंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में किसानों के जो उत्पादक संगठन हैं उनको एफपीओज को एक जन आंदोलन बनाया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में संसाधनों के बंटवारे में गरीबों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जितनी आबादी बजट का उतना हिस्सा उनकी अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं में हम खर्च करेंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को प्रमुख स्थान है उसका विशेष अभियान चलाया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हम सीएम राइज स्कूल एक जगह एक बहुत अच्छा विद्यालय जहाँ लैब हो, लाइब्रेरी हो, पढ़ाने वाले बेहतर शिक्षक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे भले हमको 10, 15, 20, 25 किलोमीटर दूर से बसों से भी बेटे बेटियों को पढ़ाई के लिए लाना पड़े, हम लाएंगे। एक एक विद्यालय में 10,000 बच्चे पढ़ें और उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करें, इसका अभियान चलाया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कोई गरीब बेटा बेटी धन के अभाव में पढ़ाई से उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटीज के स्तर को बेहतर बनाने का
और कुछ यूनिवर्सिटीज को अखिल भारतीय और एक आध को अखिल विश्व के स्तर पर पहुंचाने के गंभीर प्रयास किए जाएंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई और दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये हमारा फोकस है। उस दिशा में हमने ठोस योजनाएं बनाई है। हमारे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री जी दिल में कितनी संवेदनाएं रखते हैं और इसलिए आरोग्य के लिए उनकी योजना से लगा के प्रदेश अपनी तरफ से प्रयास करके किसी गरीब को बिना इलाज के नहीं रहने देगी। निजी क्षेत्रों के सहयोग से अस्पतालों का जाल बिछेगा। हमारे कस्बों में, हमारे देहातों में भी कैसे चिकित्सा की सुविधा बेहतर पहुंचे, इसके भरपूर प्रयास किए जाएंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में रोजगार और अर्थव्यवस्था एक फोकस होगा। मेरे सारे साथी यहां बैठे हैं, रोजगार रोजगार रोजगार, इस पर हम मुख्य फोकस करेंगे और उसके लिए लघु और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, उनको विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। मेरी बहनें अलग अलग गांव में जो सामान बनाती है, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है लोकल को वोकल करने का। मेरी बहनों के बनाए उत्पाद कैसे ठीक से बिके, उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे बहनों और भाइयों से इस अवसर में प्रदेशवासियों से यह अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है लोकल को वोकल बनाने का, कृपया करके आप अपने आसपास सामान बनाने वाली बहनों से भाइयों से सामान खरीदें, न केवल इस दिवाली पर बल्कि हमेशा। हम स्थानीय उत्पादन जो हमारे पास है उसको खरीदने में वरीयता दें। हमारे छोटे छोटे कारीगर, हमारे कुम्हार सुंदर दिए बनाते हैं, दिवाली पे जलाओ हमारे कुम्हारों के दिए। अगर देवी जी की पूजा करना है तो अगरबत्ती मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें बनाती है। लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, गणेश जी की मूर्ति हो, सजावट के सामान हो, अपने मध्य प्रदेश में बहुत बेहतर बनते हैं और हम दोनों तरीकों से काम करेंगे। एक, उनका उत्पाद बिके और दूसरे, उनको उत्पादन के लिए धन का अभाव ना रहे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हमने तय किया है कि इसी साल स्व सहायता समूह को 1400 करोड़ रुपए की बैंक लिंकेज दिलवाई जाएगी। 4% ब्याज पे उनको पैसा मिलेगा ताकि ठीक से वो अपने कामों को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हमारे कारीगर, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो बांस का काम करने वाले हो, अलग अलग कारीगरों की कला विकसित करके उनके हाथों में कौशल को और निखार के कैसे वो कौशल उनकी आमदनी का जरिया बने, इसका विशेष रूप से प्रयास किया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में न हम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लाएंगे केवल, वो तो हम लाएंगे ही, इंडस्ट्रियल क्लस्टर को और विकसित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बाकी उद्योगों का भी जाल बिछाने में हम कोई कसर नहीं रखेंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में टूरिज्म से रोजगार को विशेष रूप से स्थान दिया जाएगा। हनुमंतिया जैसे टापू, हमारे सैलानी जैसे टापुओं का और विकास किया जाएगा। हमारे पुरातत्व महत्व की जो धरोहर है कैसे वो पर्यटन का केंद्र बने, हमारे आध्यात्मिक धार्मिक पर्यटन, हमारे जंगल इतने बढ़िया है, बफर में सफर जैसे हम प्रयास शुरू करेंगे, टाइगर सफारी जैसे प्रयास तेजी से हम प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भी कैसे टूरिज्म बढ़े, इसका भरपूर प्रयास किया जाएगा। पर्यटन से रोजगार, इस पर पूरा फोकस करने का हम प्रयास करेंगे। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए निजी सेक्टर का को और बेहतर ढंग से बढ़ावा दिया जाएगा। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में व्यापार और आसान हो, व्यापारियों को कोई दिक्कत और तकलीफ ना हो, ईमानदारी से काम करने वाले कहीं कष्ट का सामना ना कर पाए, हाँ बेईमानी करने वाले जरूर सावधान हो जाए। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में किसी गुंडागर्दी दादागिरी को कोई स्थान नहीं होगा, ऐसे तत्व पूरी तरह से कुचल दिए जाएंगे, यह हमारा संकल्प है। और मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हर एक नागरिक, मध्य प्रदेश के 8 करोड़ नागरिक, क्योंकि रोड मैप हमारा बहुत बड़ा है,
उसकी एक एक चीज की व्याख्या यहां करना लगभग असंभव है, लेकिन हर एक नागरिक का सहयोग मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में लिया जाएगा, और इस भाव से कि उस प्रगति और विकास से उनकी भी प्रगति होगी, उनकी आर्थिक उन्नति भी होगी, उनका भौतिक प्रगति भी वो कर पाएंगे, समाज के हर वर्ग के कल्याण की, समाज के हर वर्ग के कल्याण की, अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, पिछड़े वर्ग के हों या सामान्य वर्ग के हों, सबको कैसे न्याय मिले। देखिए, हम सब अच्छी तरह समझते हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और आमदनी के साधन जुटाना, ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मुख्य लक्ष्य है। और हम सब मिलके अपने आप को, मेरे मंत्री मंत्रालय की पूरी टीम, मेरे सारे अफसर, मेरे मैदानी अफसर और अधिकारी, वो सब अपने आप को समर्पित करते हैं इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को जमीन पर उतारने के लिए। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, हम प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, एक एक क्षण का बेहतर उपयोग करके 3 साल में हम वो गौरवमय स्थान प्राप्त करेंगे कि जिसके कारण देश कह सके कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में सबसे अतुलनीय योगदान अगर किसी प्रदेश का है तो वो प्रदेश है मध्य प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश। लेकिन प्रिय बहनों और भाइयों, प्रदेशवासी बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील जरूर करना चाहता हूं, अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे केवल मंत्री नहीं कर पाएंगे, केवल अफसर नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपका, मध्य प्रदेश के एक एक निवासी का, मेरे बहनों और भाइयों का, मेरे बेटे बेटियों का सहयोग अतीव आवश्यक है। हम में से हर एक की, हर एक का पार्टिसिपेशन कैसे हो, हर एक की सहभागिता कैसे हो, एक पॉजिटिव माइंड सेट हमारा बनना चाहिए, सकारात्मक सोच। केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है मध्य प्रदेश को आगे ले जाना, 8 करोड़ मध्य प्रदेश वासी अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है वो झोंक के काम करेंगे। ये जिद, ये जुनून, ये जज्बा हर एक के दिल और दिमाग में पैदा हो जाए मेरे बहनों और भाइयों, क्योंकि इसके बिना ना कोई देश आगे बढ़ता है, ना कोई प्रदेश आगे बढ़ता है। और इसलिए तो हमने मध्य प्रदेश गीत बनाया है जो हम सबको प्रेरित करे अपने मध्य प्रदेश को और गढ़ने के लिए और बढ़ाने के लिए। मैं इस अवसर पर आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, एक निवेदन के साथ कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। दिल्ली देश के कई हिस्सों में और दुनिया के कई देशों में कोरोना लगातार फैल रहा है, बढ़ रहा है, और इसलिए मेरी प्रार्थना है निश्चिंत ना हो जाएं। जब तक मास्क ना आए तब तक, जब तक वैक्सीन ना आए तब तक मास्क ही वैक्सीन है, और इसलिए मास्क जरूरी है, दूरी भी जरूरी है, और इसलिए दीपावली का पावन पर्व भी आप सावधानी से बनाएं। मेरे बहनों और भाइयों, आइए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। मैं अमिताभ कांत जी आपको एक बार फिर से, आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं। डैशबोर्ड हमने बना लिया है, आपके सहयोग से डैशबोर्ड अब हमारा काम करेगा, और इस पूरी प्रगति की समीक्षा मध्य प्रदेश के, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण की उस डैशबोर्ड के माध्यम से हम करेंगे। हर एक विभाग की इसमें भूमिका है, हर एक विभाग की, हर मंत्री की, लेकिन इसको कोऑर्डिनेट करने का काम लोक सेवा प्रबंधन विभाग, अरविंद जी और उनकी टीम करेगी, लेकिन जिम्मेदारी हर एक की है, हम में से हर एक की, क्योंकि सब मिलकर ही इस काम को करेंगे, न केवल हर मंत्री की, न केवल हर अफसर की, बल्कि मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक की। और इसलिए आइए मेरे बहनों और भाइयों, हम इस मध्य प्रदेश के निर्माण का आज के ऐतिहासिक दिन संकल्प लें। मुझे पूरा विश्वास है कि हम जी जान से जब संकल्प करते हैं और उसको पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं तो सफलता मिलती है। आज हमारे साथ विष्णुदत्त शर्मा जी भी मंच पर है, क्योंकि ये केवल सरकार का काम नहीं है, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी काम है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जिसके लिए हमें जनादेश मिला हुआ है। और हमने तय किया है कि हम सामाजिक कार्यकर्ताओं की नीचे तक हर चीजें ढंग से पहुंचे, उसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की दीनदयाल समितियां भी पंचायत स्तर पर बनाएंगे। पंचायत के साइज के हिसाब से 11 से लेकर 21 लोगों की समिति इन सब चीजों की मॉनिटरिंग करने के लिए, उनसे जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए हम नीचे गठित करेंगे,
हम ब्लॉक स्तर पर गठित करेंगे, हम जिला स्तर पर गठित करेंगे और जिला स्तर से लेकर नीचे तक जनता का सहयोग भी ये समितियां प्राप्त करेगी और अपनी मॉनिटरिंग का काम भी ये बेहतर ढंग से करेगी। तो आइए मित्रों, हम सब संकल्प लें कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, मैंने बहुत कम चीजें आपको बताई है, ये संभव ही नहीं है कि हर चीज का विश्लेषण में छोटे से भाषण में आपके सामने कर सकूं। आज ये पूरा रोड मैप मेरे मंत्रियों के हाथ में, आज ही मैं इसको चीफ सेक्रेटरी को भी औपचारिक रूप से सौंपूंगा और चीफ सेक्रेटरी का मतलब है पूरी ब्यूरोक्रेसी को, उनको तुरंत प्रभावी क्रियान्वयन की योजना बना के मेरे सामने प्रस्तुत करनी होगी और जो योजना और रोड मैप बनेगा उस पर चलना होगा। उसके लिए हर महीने मुझे हिसाब देना होगा, चाहे वो जिले के मैदानी अफसर हो और चाहे वो वल्लभ भवन के अधिकारी हो, दिन और रात हमको परिश्रम करना है। मैं आप सबको एक बार फिर दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। धनतेरस आज प्रारंभ हो गई है, धन की वर्षा हो, आर्थिक संकट दूर हो, क्योंकि अभी तो मामला बड़ी कड़की था, कड़की में कैसे मामा ने चलाया है ये मैं ही जानता हूं, लेकिन मुझे अब उम्मीद है कि धीरे धीरे बाजारों में जो रौनक आ रही है उससे आर्थिक कष्ट भी पूरी तरह समाप्त तो नहीं होंगे लेकिन कुछ कम होते जरूर चले जाएंगे और आगे फिर अच्छा और रास्ता निकलेगा। हम लोग गाते रहे हैं कोरोना काल के बारे में, कह रहा हूँ और किसी चीज़ के बारे में नहीं, केवल कोरोना काल के बारे में, कि ये रैन अंधेरी बीतेगी, ऊषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक और पंक्तियाँ मैं बचपन से कहता रहा हूँ अपने आप को प्रेरित करने को भी, कि जो परिश्रम करते हैं संकल्प के साथ, दिन और रात परिश्रम करते हैं वो कभी असफल नहीं होते। ऐसे परिश्रम करने वालों के लिए वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है, सफलता हमारा वरण करेगी। आइए स्वामी विवेकानंद जी के इस उद्घोष के साथ उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त बारिण्य बोधता, उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए रुको मत। हम इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।